इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फंक्शन एक दिया गया है और फंक्शन में टू अननोन है ए एंड बी, उसका वैल्यू निकालना है सच दैट ये फंक्शन जो कंटिन्यूस हो जाए। यहाँ पे टू एंड टेन पॉइंट में ब्रांच सेपरेट हुआ है, सो टू पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू 5 है और इस ओर से लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा सकता है जिसमें ए एंड बी में एक इक्वेशन बनेगा। उसी तरह 10 पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू 21 है एंड लिमिटिंग वैल्यू यहां से मिलेगा जहां पे ए एंड बी का और एक इक्वेशन मिलेगा। तो टू इक्वेशन इन ए एंड बी मिल जाएगा जिसको सॉल्व करने से हमको रिक्वायर ए एंड बी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एक्स ग्रेटर देन टू है यहाँ पे, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ टू। सो टू में लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना होता है। सो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स, ये है फंक्शन, टू से ज़्यादा जब होगा, टू के आसपास लिमिट एक्सटेंडिंग टू फ्रॉम पॉजिटिव एक्स प्लस बी एफ ऑफ टू है 5, जहाँ से हमको मिलेगा एक्स के जगह में टू डालना है, टू ए प्लस बी इक्वल टू 5, इसको नंबर वन इक्वेशन मानते हैं। एंड इस 10 पॉइंट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10, लेकिन अभी एक्स 10 से छोटा है, सो निगेटिव ओर से होगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 10। एफ ऑफ 10 जो यहाँ से मिलेगा वहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 फ्रॉम निगेटिव साइड, एफ एक्स का मतलब एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ 10 मतलब 21। सो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, 10 a प्लस बी इक्वल टू 21, इसको दो नंबर इक्वेशन मानते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में b का कोफिशेंट सेम है, सो 1 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से इसको माइनस करना है, 10 a माइनस 2 a इक्वल टू 8 है, b माइनस बी 0, 21 माइनस 5 इज 16, सो यहाँ से मिल रहा है a इक्वल टू 2, सो a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एंड b इक्वल टू 5 माइनस 2 a मतलब 5 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर रिक्वायर्ड a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, सो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 होने से ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।